नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष कुमार झा, MD DM गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट। मैं एसोसिएट प्रोफेसर सह आचार्य इंदिरा गांधी संस्थान IGIMS इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पटना में कार्यरत हूँ। मैं लीवर, पेट, पैंक्रियाज या इंटेस्टाइन आँत संबंधित बीमारियों का स्पेशलिस्ट हूँ। हम लोग कुछ मिनट में जानने का कोशिश करेंगे कि एंडोस्कोपी क्या होता है, किस बीमारी में इनकी आवश्यकता होती है, किस बीमारी का इससे इलाज संभव होता है। एंडोस्कोप एक मशीन होता है जिसके अंदर हम लोग बिना चीरफाड़ किए मुख के द्वारा पेट के अंदर जाके बहुत सारे बीमारियों का पता लगाते हैं, बहुत सारी बीमारियों का इलाज करते हैं। बहुत सारा बीमारी को पता करने में कहाँ इस्तेमाल होता है, पहले हमें ये जानना है। जैसे छोटी स्टमक हुआ, इसोफेगस हुआ, आहार नाल, पेट जिसको हम लोग आमाशय बोलते हैं, छोटी आंत, बड़ी आंत, इस प्रकार के जो हमारे शरीर के अंग हैं, इसमें बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे कि अल्सर, जैसे कि कैंसर, जैसे कि ट्यूमर, जैसे कि पाइल्स, जैसे कि पॉलीप, ऐसे या ब्लड वेसल से संबंधित कई सारी बीमारियां होती हैं। उनका डायग्नोसिस अल्ट्रासाउंड सिटी स्कैन से भी संभव नहीं हो पाता है कई बार, वैसे अवस्था में हम लोग एंडोस्कोप करना पड़ता है। सिम्टम वाइज अगर जाएं, किस सिम्टम में, जैसे कि बहुत लगातार गैस बन रहा है, गैस ठीक नहीं हो रहा है, अचानक से वजन गिरने लगा, बार बार उल्टी हो रहा है, या हम खाना खाने जाते हैं खाना गले में फंस जाता है, या हम कोई चीज़ अनजाने तरीके से, खास करके बच्चे कुछ फॉरन बॉडी खा लिया, जैसे कि खेलने वाले सामान खा लिया, सिक्का निकल गया, इस तरह की जो बाहरी चीज़ें वो खा लिया, या पैखाना के रास्ते से खून निकलने लगता है, या बहुत बार इतना ज़ोर से कब्जियत हो जाता है कि सामान्य दवाई से ठीक नहीं होता है, या पेट में दर्द है, सिटी स्कैन अल्ट्रासाउंड भी हो गया, पेट में दर्द का कारण नहीं पता चल रहा है, या फिर डायरिया है, लगातार आपका बार बार पैखाना जा रहे हैं, आपका वजन गिर रहा है, या पैखाना में खून आ रहा है, पैखाना में अनपचा हुआ सामान निकल रहा है खाया हुआ, तो इन सब रोगों को कन्फर्म करने के लिए एंडोस्कोप एक बहुत ही प्रमुख इंस्ट्रूमेंट है मेडिकल साइंस में। इससे सिर्फ बीमारी का ही नहीं पता लगाया जाता है, इससे बहुत सारे बीमारी का इलाज भी किया जाता है। जैसे कि अगर किसी के खाने का नली सिकुड़ गया हो, जिसको इसोफेजियल स्ट्रक्चर बोलते हैं, उसको हम लोग चौड़ा करके रास्ता बना सकते हैं, या पेट के अंदर गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन बोलते हैं बहुत प्रकार में, खास करके जैसे कोई कोरोसिव जो हुआ एसिड या कुछ पी लेता है, उससे आँत के अंदर सिकुड़न आ जाती है, उसको भी हम लोग इंडोस्कोप के माध्यम से खोल सकते हैं, ऑपरेशन से बच सकते हैं। कोई आदमी सिक्का खा गया, खेलने वाला कंचे या गोली खा लिया, या सेप्टिपिन खा लिया, उसको भी हम लोग इंडोस्कोप से निकाल सकते हैं। लीवर के बीमारी में खून के उल्टी होने लगती है, या किसी भी वजह से अगर पेप्टिक अल्सर बन गया पेट में, उससे खून की उल्टी हो रही है, तो उसके उल्टी खून निकलने को पेट में इंडोस्कोप के द्वारा रोका जा सकता है। जो है उसको अगर खून निकलते समय अल्सर को इंजेक्शन देकर ट्रीट कर देते हैं हम लोग, या इंडोस्कोप के द्वारा इसोफेजियल बैरिक्स होता है उसमें हम लोग बैंड लगा के बंद कर सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारा इंडोस्कोपिक जॉन्डिस है, किसी को जॉन्डिस हो गया, स्टोन जो है गॉल बडर से छिटक के पित्त के नली में आ गया, बाइल डक्ट जिसको बोलते हैं, तो अगर वहाँ स्टोन हो गया तो वो स्टोन निकालते हैं हम लोग इंडोस्कोप के द्वारा ही, जिसको हम लोग ERCP बोलते हैं। ऐसे ही कोई कैंसर हो गया, जो पित्त के नली का कैंसर, उससे जॉन्डिस हो गया और जॉन्डिस कम नहीं हो रहा है, और आप कैंसर का इलाज कराना चाहते हैं, तो कैंसर का इलाज जॉन्डिस ज़्यादा रहने पर डॉक्टर करना संभव नहीं हो पाता है, तो जॉन्डिस कम करने के लिए फिर हम लोग इंडोस्कोप द्वारा उसमें पाइप फिट करते हैं, जिसको कि ERCP बोलते हैं। कई बार पैंक्रियाज में सूजन होने के बाद, पैंक्रियाटाइटिस नामक रोग के बाद, पेट में पानी जमा हो जाता है, जिसको कि हम लोग स्यूडोसिस्ट बोलते हैं, उसको हम लोग इंडोस्कोप के माध्यम से, या एक अलग इक्विपमेंट, इंडोस्कोप का इक्विपमेंट आता है जिसको इंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड बोलते हैं, ये सब इन चीज़ों से हम लोग उसके पानी को बिना चीरफाड़ के, ऊपर से चीरफाड़ लगाए हुए इंडोस्कोप के माध्यम से उसको पानी निकाल देते हैं। ऐसे ही पॉलीप बन जाता है बच्चों में खास करके, उससे पैखाना में ब्लड आने लगता है, तो पॉलीप को हम लोग इंडोस्कोप के द्वारा काट के हटा सकते हैं। पाइल्स अगर बवासीर है, बहुत बड़ा नहीं है, मीडियम साइज का है, तो उसमें हम लोग इंडोस्कोप के द्वारा दवाई डाल के पाइल्स का भी चिकित्सा कर सकते हैं।
तो इस प्रकार से इंडोस्कोप का आज के टाइम में बहुत बार छोटी आंत में या बड़ी आंत में ब्लड वेसल, हम लोग एंजियोप्टेसिया बोलते हैं, बहुत सारे ब्लड वेसल बन जाते हैं, उससे खून निकलने लगता है, उसको हम लोग आर्गन गैस का एक लेजर जैसा एक आर्गन गैस आता है उससे हम लोग उसको बर्न करके उसको जला के कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस किस्म की बहुत सारी बीमारियाँ इंडोस्कोपिक पद्धति से चिकित्सा की जाती है और हम लोग जिसका कि बहुत का तो चिकित्सा और किसी पद्धति से संभव भी नहीं है, सिर्फ इसी पद्धति से संभव है। और बहुत बार इस पद्धति से इलाज करने से हम लोग मेजर ऑपरेशन से, जो अपन ऑपरेशन होता है, उससे बच जाते हैं। तो अगर किसी को जॉन्डिस हो गया हो या फिर बार बार खून का उल्टी आ रहा हो या बार बार ऐसे भी उल्टी आ रहा हो, खाना निगलने में दिक्कत है या कोई चीज़ बाहर का बच्चा निगल गया या पैखाना में बार बार ब्लड आता हो, ऐसे अवस्था में गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट का सलाह लेके अगर वो एंडोस्कोपी एडवाइस करे तो हाँ, हर गैस के बीमारी में, हर पेट के दर्द में, हर उल्टी में एंडोस्कोप की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि बहुत सारे कारण होते हैं। पहले सामान्य कारण का चिकित्सा होता है, वो ठीक नहीं होने से तब किसी किसी रोगी में इन सब एंडोस्कोप की ज़रूरत होती है, लेकिन सब में ज़रूरत नहीं होती, ये चीज़ ध्यान रखना है।